हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। यहाँ पर पूरा मंदिर खाली हो चुका है, सारा सामान उठा के मैंने टेबल पे रख दिया क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ पूरे मंदिर की क्लीनिंग। लगने वाला है ढेर सारा टाइम क्योंकि जब हम डेली पूजा करते हैं और मंदिर साफ करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि हम हल्की हल्की सफाई करते हैं मंदिर की, बर्तनों की। लेकिन आज हम कर रहे हैं पूरा मंदिर अच्छे से क्लीन। एकदम सांसें बनी है ना मूर्ति में, इनमें मिट्टी बहुत भर गई है, इनको साफ़ करने में बहुत टाइम लग गया। यहाँ पर मैं प्रिंस को पूछ रही थी कि क्लास कितने बजे है तुम्हारा, वही बात कर रही थी। अब मैं वापस लग गई अपने काम में। यहाँ पर मूर्ति भी मैंने विराजमान कर दी, अच्छे से सेट कर दिया मंदिर। अब मैं खिड़की बंद कर लूँ, बहुत हवा आ रही है, बार बार दीपक बुझ रहा था। तो यहाँ पर मैं आरती कर ले रही हूँ। हो चुकी आरती और आप लोग भी ले लीजिए वहीं से आरती। और कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग ये ज़रूर बताना कि भोलेनाथ की मूर्ति कैसी लग रही है। सुंदर लग रहे हैं ना मेरे प्यारे से भोलेनाथ, कमेंट करके बताना। कुकर में मैंने लगा दिए हैं चावल और इधर कढ़ी बन रही है पकौड़ी की। पकौड़ी छाननी मैंने कढ़ाई रखी है साइड में, रोटी नहीं बनाई अभी, वो मैं आके बनाऊंगी। आप लोगों को बताया था ना मैंने कि मेरा रूटीन बदला है 8-10 दिन से। सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे मैं खाने की तैयारी में भी लग जाती हूँ क्योंकि मेरा आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेट हो जाता है। कभी आधा बना के चली जाती हूँ, कभी पूरा बना के चली जाती हूँ। बर्तन वगैरह धो के किचन वगैरह साफ कर दिए, रोटी सिर्फ बचेंगी वो मैं आके बना लूँगी गरम गरम। आपका कैमरा कितना अच्छा लग रहा है। 8:30 बज रहा है, अब जा रही हूँ मैं वापस से किचन में। यार जिंदगी किचन तक ही रह गई अभी 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 तो ऐसा लगता सुबह किचन में, दोपहर में किचन में, रात को किचन में, अब तो जिंदगी सिर्फ किचन ही तक रह गई, बस झाड़ू पोछा तक रह गई है। कसम से यार क्या लाइफ हो गई औरत की, मन ही नहीं कर रहा है जाऊँ लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। थोड़े से चावल फ्राई करूँगी क्योंकि सुबह मैंने कढ़ी चावल बनाए थे तो वही चावल रखे हैं, तो उन्हीं चावल को मैं फ्राई कर दूंगी मटर वगैरह डाल के तो हो जाएंगे। चलो चलो चलो, पढ़ेगा कौन अगर तुम नानी के एग्जाम के बाद। बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे फिर चलूंगी 2 महीने के लिए, बोर हो गई, 1 साल के ऊपर हो गया है, मायके नहीं गई अपने। सोच रही बच्चों को लेके निकल जाऊँ, 1.5-2 महीने रह के आऊँ छुट्टियों में, इसके बोर्ड के एग्जाम हो जाए पहले। इनके लोगों की वजह से मैं भी नहीं जा पा रही हूँ, फंस गई। क्या करूँ भैया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ मैं आई हूँ कुकर लेके दुकान पे हैंडल कसवाने के लिए। घर पे ही कस लेती अगर स्क्रू होता तो, स्क्रू नहीं था उसका इसलिए मैं नहीं कस पाई। डाल दे रही हूँ, बाद में उठा ले जाऊँगी, जाऊँगी घर पे तब, पास में ही दुकान थी तो डालाई। अभी मैं आ गई हूँ अपनी फैक्ट्री में जहाँ पर काम होता है, पैकिंग हो रही है यहाँ पर ज्वेलरी की, तो मैं लोगों के साथ बैठ के करवा रही हूँ। और ये ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा छोटी नहीं, नहीं नहीं ये नहीं, थोड़ी बड़ी नहीं, ये तो है ऑलरेडी मेरे पास। दिखाओ दिखाओ, बड़े में दिखा दो आप। अभी मैं आई हूँ वापस शॉप पर क्योंकि मुझे कुकर भी उठाने हैं यहाँ से, घर पे जा रही हूँ। लंच का टाइम हो गया है, आऊँगी 1-2 घंटे बाद क्योंकि खाना बनाने के बाद खाना है, सारे काम करने हैं, टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत आराम भी करूँगी। यहाँ पर मैं सोची मिक्सर की बाटी ले लूँ, फिर मैंने नहीं ली क्योंकि बहुत हल्की लग रही थी। ये है 2 घंटे बाद का व्लॉग, कम से कम 2-2.5 घंटे बाद का। मैं वापस कंपनी आई हूँ, शाम का टाइम है। और ये है रात का व्लॉग, मैं घर पे आ चुकी हूँ, रात का खाना भी बना चुकी, खा भी चुकी, फ्री होके आई हूँ वॉक करने। तो इस वाले व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। हमारी ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी टाइम चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा बिजी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे बिल्कुल भी। और मैं जो एडिटिंग कर रही हूँ ना, रात के 12 बज चुके हैं, मैं घर पर एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। तो ये है रात का खूबसूरत सा नज़ारा हमारे घर का, हमारी बिल्डिंग का, बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो मैं बाय, मिलती हूँ आप लोगों को अगले वाले ब्लॉग में। हाँ, स्विमिंग पूल के पास जो यहाँ पे ये है ना, यहीं पे हम लोग आके लेट गए, आके ऐसी बातें कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे क्योंकि थकावट बहुत हो रही थी सच में। अब आया लाइट आ रही, लेकिन हाय सीमा जी, कैसे हैं आप? मैंने बोला यहाँ पर लेट के गांव वाली फीलिंग तो बोलते 5-स्टार होटल की जगह गांव बोल रही है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, हे भगवान। तो कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग आप लोगों को,
अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। बहुत शांति है, सुकून है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है स्विमिंग पूल एरिया। तो बाय बाय।